जो समाज के अंदर हमारे, मैंने इसमें लिखा है कि हमारे समाज के अंदर इतना अहम पैदा हो गया है कि एक आदमी दूसरे आदमी को आदमी नहीं समझता, वो समझता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, वो कहता है जो मैं कहता हूँ वही सब सही है, और इसी के ऊपर हमारे समाज में एकता नहीं बन पाती। तो और एक दूसरे की बुराई करना, जबकि चर्चा करने के लिए बैठे तो हम चर्चा तो कम करते हैं, एक दूसरे की बुराई ऐसी तैसी करने पर लगे होते हैं। तो हम लोगों को कुछ ऐसे आपस में भी ऐसे लेने चाहिए, क्योंकि बाकी आपने कहीं किसी ब्राह्मण को किसी ब्राह्मण की बुराई करते हुए नहीं देखा होगा। तो मैंने कितनों बार सब जगह हम बैठते उठते आना जाना होता है, लेकिन कभी कोई किसी की बुराई नहीं करता देखा। और हमारे यहाँ जो बैठे हैं तो हमारे एक दूसरे की ऐसी तैसी करने पर उसने ये किया, पुराने सब झगड़ों में पड़ जाएंगे, उसने ये किया, उसने ये किया, वो ऐसा है। हम लोग बजाय इन बातों में टाइम जाया करने के आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढने चाहिए। तो हमारा जो मेन है, दो तरह की हमारी समस्या, एक तो घरेलू जो हम आपस में कर सकते हैं, जो कमियां खामियां हैं उनके लिए आज कुछ मोटे मोटे प्रस्ताव रखे जाए, उनके ऊपर चिंतन मनन हो। और हम सोचते हैं हम लोग जैसे हम लोग भीम संसद बनाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, ऐसा उसमें भी लाए। और तो मैं आपको एक छोटा सा याद दिला दूं, एक 1922 में एक यहाँ पुराने किले में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम रखा गया था चमार कॉन्फ्रेंस। तो वो मंत्री देवीदास जी, कौर से मोहन जी उस बारे में जानते हैं कि इस तरह की मीटिंग मंत्री देवीदास जी ने दिल्ली में बुलाई थी, पुराने किले में हुई थी। पुरानी बातें हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम तो कहीं थे ही नहीं, लेकिन वो बात पूरी जोर से चली आ रही है। और उस बड़ी पंचायत में, बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था, सामाजिक फैसला था कि ना तो हम मरे हुए डगर को उठाएंगे ना मरे हुए का मांस खाएंगे, ये उस पंचायत का एक सामूहिक फैसला था। और उस फैसले और भी फैसले हुए थे सामाजिक, लेकिन ये मुख्य मुद्दा था कि हम ना मरे हुए डंगर का मांस खाएंगे और ना मरे हुए डंगर को उठाएंगे। और उसमें जो फैसले लिए गए उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, लोग जगह जगह पीटे भी क्योंकि डंगर उठाने बंद कर दिए, मांस खाना बंद कर दिया कि जो भी होगा भूखे मरेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए पर मरे हुए का मांस नहीं खाएंगे। और उसकी देन है कि आज हमारे समाज में चाहे दलित समाज का कोई भी हिस्सा रहा हो, कोई भी मरे हुए का मांस नहीं खाता, चाहे भूखा रहे चाहे प्यासा रहे कुछ भी रहे लेकिन नहीं खाता। तो मेरा कहने का इस उदाहरण से ये कहने का मतलब है कि यदि हम समाज में आपस में दलित समाज के चाहे वो हमारे चमार भाई हो, टाटो हो, चाहे वो रेगड़ हो, दाना हो, चाहे वो बाल्मीकि हो, चाहे कोई भी आपस में हम लोग ये तय कर ले कि भाई हम लोग इसके ऊपर चलेंगे अड़े हो, तो कुछ समय लगता है जरूर उस चीज को मानने में, मनमाने में थोड़ा बहुत नवा नुकसान भी होता है, क्योंकि उस सभी बड़े लोगों की पिटाई हुई थी, पेड़ों पे बांध बांध के लोग पिटाई हुई थी, लेकिन लोगों ने काम नहीं किया उन्होंने चाहे जो रहा। तो ऐसा ही यदि कुछ फैसले लिए जाए तो वो समाज के लिए एक फायदे की चीज हो सकती है। तो मेरा कहने का एक तो समस्या ये है, एजुकेशन की समस्या है, एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, सरकार तो धकेल रही है पीछे, लेकिन वैसे भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और एजुकेशन का ये है, इसमें सबसे बड़ा पीछे चलने का कारण जो मैंने महसूस किया, हम पढ़े लिखे आदमी जो समाज के हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो दूसरे हैं, वो लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो अच्छी तरह उसको देंगे शिक्षा, लेकिन वो पड़ोसी के बच्चे को नहीं कहेंगे कि भाई तू इस बच्चे को ये पढ़ा ले, तेरा बच्चा होना है, उसको कहेंगे ना ये पीछे रहे, मेरे बच्चे पढ़े लिखे। तो ये बहुत गलत प्रवृत्ति है, हमें इन जैसी बातों पर रोक लगानी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि हमें अपने यहाँ भी सुधार करने की जरूरत है। हम जब तक एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, अरे कोई तन मन से तो कर सकते हैं,
यदि उसको धन से नहीं मदद कर सकते तो दूसरी मदद तो कर सकते हैं। तो ये समाज के नियम बनाने पड़ेंगे कि हम लोग इन कदमों पर चल रहे हैं। आज हम एक दूसरे की बुराई करना मामूली सी बात है, एक दूसरे के खिलाफ लिखना मामूली सी बात है, कोई मकान बना रहा हो कोई शिकायत करे ना करे, पर अपने समाज का कोई आदमी आ रहता होगा वो जरूर शिकायत करेगा उसकी के ये गलत बना रहा। उसको जब तक लाभ होगा आपको डरवा नहीं रहेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा ब्राह्मणों में नहीं ऐसा, वो कभी किसी के आपस में शिकायत नहीं करते हैं। आपने सुना हो तो जरा बताए एग्जाम्पल, मैंने तो नहीं सुना कभी ब्राह्मण को ब्राह्मण के खिलाफ बोलते नहीं सुना ना उसकी वो कोई शिकायत करते सुना। तो हम लोग भी तो इसका पालन करना चाहिए। तो मेरा कहने का ये दूसरी बात ये है, ये तो होगी हमारी सामाजिक समाज में आपस में क्या करें। दूसरा सरकार के साथ, सरकार के साथ के कुछ मुद्दे मैंने आपको दिए हैं। मुद्दे वो हमेशा डिस्कस होते रहते हैं जो केंद्रीय स्तर के मुद्दे हैं। वो हम लोग ये चाहें कि मेरी जय भगवान जाकर मेरी संस्था है, मैं उसको चलाता हूँ, बहुत चीजें लिखते हो, हजारों फाइल है। शायद कभी लोग होंगे जिनके पास इस तरह की लिखा पढ़ी की फाइल हो, लेकिन कुछ खास होता नहीं है। बहुत आगे लगा कोई फाइल उठाए कुछ कर ले तो हो जाए, लेकिन होता नहीं है। मुद्दे हर तरह की फाइल है, हर तरह की फाइल खोली हुई है। हमने कहा जैसे अपने इस प्रस्ताव में दिया कि हमारे लोगों को आप लाइसेंस क्यों नहीं देते भाई, आप ठाकुर को बढ़िया को प्रमुख उनको को भी समाज के आदमी को लाइसेंस जाओ फटाफट मिल जाएगा, वो तो इतना बढ़िया आदमी है उसको तो जान का खतरा है। तो हमारे लोग गरीब है तो क्या उनकी जान का खतरा नहीं है? जान का खतरा तो हमारी भी तो जान कह रही है, भले ही हम गरीब हो लेकिन जान तो हमारी भी उतनी है। तो हम लोग का ये कहने का है या तो उनके आराम से लाइसेंस तुम करो, आराम से लाइसेंस किसी को भी इसको होना चाहिए, या खुले करो जिसको भी कोई डर है खतरा है स्पेशली दलितों का, तो उनको लाइसेंस खुला मिलना चाहिए। होता क्या रहा है कि हमारे आदमी कहते हैं ये कहाँ रखेगा, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसको क्या है, और वो आते चार रोड़े आते हैं, चाहे वो आग लगा जाए गांव में, चाहे वो गोलियों से भूल जाए, चाहे कुछ भी कर जाए, उनका कुछ बिगड़ता नहीं, पुलिस केस भी रजिस्टर्ड नहीं होता, और कोई मर्डर भी इतने हो जाते हैं वो यदि हो भी जाए कोर्ट में जाके सब छूट जाते हैं। आपने खैरागंज जी का देखा, वो पाथमपुरम का देखा, सब जितने भी केस वो हो रहे हैं शायद किसी को सजा हुई हो, किसी को कोई सजा नहीं होती। हमने अब जैसे प्रोग्राम है हमारे लोग मिलिट्री में नहीं जाते हैं, मेरे ख्याल जितने यहाँ बैठे हैं शायद ही किसी का होगा कोई बच्चा, कोई बच्चे को हम नहीं भेजते, क्यों नहीं भेजते भाई? यदि हम मिलिट्री में इसमें सेना में भेजे तो मनोबल बढ़ता है, बच्चे का परिवार का मनोबल बढ़ता है, तो हम लोगों को सेना में भर्ती होना चाहिए, जाना चाहिए, हर फोर्स में जाना चाहिए। जब हम लोग कोई मारावारी शुरू हो गई हमारा वहाँ एक आदमी नहीं बैठा, यहाँ सब लोग मारे जाएंगे, हमें कोई हिम्मत देने वाला भी नहीं होगा। तो मेरा ये मतलब है कि ये ऐसे सवाल है जो कुछ सामाजिक है कुछ सरकार से लेने के। ये सरकार से जैसे मैंने इसमें लिखा कई चीजें लिखी है जो मैंने ये प्रस्ताव दिया है, प्रस्तावना के रूप में हिंद संसद वाला जो पेपर है जिसमें मैंने लिखा है, आय सीमा है, आय सीमा लगा कर हमारे बच्चों को एजुकेशन वंचित किया जाता है, आय सीमा लगा कर हमें दूसरी जगह से वंचित किया जाता है। तो ये आय सीमा की बात है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, आय सीमा की क्या बात होगी? अब हमारे यहाँ 7 आदमियों के जब ये तय हुआ था कि 10 साल में इनको बराबर लाएंगे, तो बराबर लाने की कौन सी बात हुई? आज हमसे आय पर टैक्स ले जाता है, दूसरे सारे टैक्स, यदि हमारा कोई आदमी बिजनेस बाजे सारे टैक्स ले जाता है। तो हम लोगों का ये मानना है कि कम से कम 20 साल के लिए तो कम करो, हम लोग यदि कोई बिजनेस करता है या नौकरी करता है उसके ऊपर आयकर इनकम टैक्स क्यों लगे? हमें बराबर तो आने दो, फिर टैक्स लगा लेना। तो हम लोग ये ऐसी बातें हैं केंद्र से संबंधित है जिसमें आप लोग ये सारी बात बैठ कर चर्चा करें, इनके लिए बजाय लंबी भाषण देने की मेरा ये आग्रह है कि सुझाव दे, जो जो समस्या समस्या लिखाए और सुझाव दे। इसको हम लोगों ने ये तय किया है, ये एक संगठन का मामला नहीं है और ना एक संगठन को कुछ कर सकते। इसके लिए हमने कहा कि जितने देश में संगठन है, जितने देश में बुद्धिजीवी हैं, उनमें से जितने अच्छे लोग मिलकर इसमें आना चाहें, तो भीम संसद एक प्लेटफॉर्म बड़े संयुक्त प्लेटफॉर्म उसको नाम चाहिए, आज भीम संसद
उस दिन जो अपनी दलित मां को चाहे उसने तय हुआ था, यदि इसका नाम भी बदलना है तो उसके विचार किया जाए, फिर समाज दे जाएगा। लेकिन भीम संसद का मतलब है कि बाबा साहब के नाम से रखा एक मिनी पार्लियामेंट, जैसे उनकी पार्लियामेंट चलती है उसी तरह से हमारी भी समस्याएं उस संसद में उठे, और वो जब सब संगठनों का संगठन करके वो संसद बनेगी तो सरकार को दबाव डालेंगे और अपनी बात बनवाएंगे, हो सकता है कुछ बातों के समाधान हो जाए, ये हमारी सोच है। चाहे नौकरी का आरक्षण पूरा करना हो, अब कोई दबाव दिया जाए, भगवान जाटव एक चिट्ठी लिख देता है कि भाई आरक्षण पूरा होना चाहिए, तो क्या जय भगवान जाटव के कहने से कोई आरक्षण पूरा हो रहा, या कोई बंगलोर से या मद्रास से या राजस्थान से कोई भी आदमी संस्था चिट्ठी लिखती है कि भाई हमारा कभी भी 12-13% से ज्यादा ऊपर आरक्षण पूरा नहीं हुआ, जबकि 22.5% है, लेकिन सब लिखते रहते हैं 70 साल में कभी पूरा नहीं हो, हमेशा यही देश हो चलती 10-11-12-14-15 से ज्यादा कभी पूरा हुआ नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि जो सरकारी संगठन वे भी अपनी अपनी डबली अलग बचाते हैं, दूसरे देखो जितने और संगठन है एम्प्लॉय के वो भी सब अपनी डबली अलग बचाते हैं, यही मामला अब आया हुआ। मेरा ये मानना है कि वे सब संगठन जो पूरे देश में अपनी डबली बजाते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, उसका तो रिजल्ट 2 अप्रैल को दिखाई दे क्या, कि जितनी जागृति है वो बहुत बढ़ रही है, बहुत आगे चल रही है, इस पर कोई दो राय नहीं है, और सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे तो वो करते रहे, उनको कोई मना नहीं है, पर हमारा ये कहना है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसको बढ़ाया जाए और उसको एक मंच से उठाया जाए, एक संयुक्त मंच से उसको उठाया जाए, तो सरकार के ऊपर दबाव बने, कोई भी स्कीम बनवानी है। अब हमारे आदमी है, जैसे दिल्ली का मामला मैंने उठाया, किसी को पता भी नहीं, कोई जानता नहीं, एक दिल्ली का मामला था, एक एक कमरे के घर है लोगों के, 25 घर 30 घर 50 घर, कोई इससे बड़ा कोई घर दिल्ली में है, जो मेन दिल्ली के रहने वाले बेचारे जो बाहर निकल गए वो तो अपना ठीक है, नहीं तो उसी में अभी रहते। कभी किसी दिल्ली वाले ने बार बार ना ये मामले उठाया कि भाई गाँव में तो थोड़ा प्लॉट सो होगा 150 रुपये का मिल भी जाता है, भाई इनको भी दिल्ली वाले ये बैठे कि इनको भी तो 100-150-200 रुपये का प्लॉट दे दो। एक मामला बना था, वे जो मकान तोड़े थे उनको तोड़ने कहा था प्लॉट बांधने के लिए, पर प्लॉट बांधने में जगह आपस में झुक तो भजवा दिया, पर वो जगह आज तक प्लॉट तो मिली नहीं, जबकि अलॉट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जगह दी सलम को, क्यों थी कुमार सिंह जी, वो जगह दी सलम ने उनको, आज तक वो जगह वहां फ्लैट बन के मल्टीस्टोरी मिलने थे नहीं मिले। तो मेरा अनुरोध ये है कि सब लोग अपने अपने तरीके से जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ नोट कराएं, मैंने कुछ लिखी है, कुछ और बहुत ऐड होगी, हजारों समस्याएं जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे उठे और जो हम लोग समाज के आपस में कर रहे, समाज में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग समाज में एकता रहे, भाईचारा रहे, जाति आपस में जो बटे हुए हैं दलित। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।